हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 साइंस प्रोटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है डोबिनियर ट्रेड्स। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि क्यों एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की है, देखो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड इजीनेस टू स्टडी। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी उन एलिमेंट्स की स्टडी करना, इसलिए क्लासिफिकेशन करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेरियस साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीका दिया कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले नाम आता है डोबिनियर का। तो 1817 में जॉन वोलगैंग डोबिनियर एक साइंटिस्ट आया, जिन्होंने सबसे पहला आइडिया दिया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, और उन्होंने उसका नाम दिया डोबिनियर ट्रेड्स। या फिर जो ट्रेड्स वर्ड्स है, इसका मतलब है ग्रुप, कि उसने ग्रुपिंग की एलिमेंट्स की, और वो कैसे की वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम डोमिनेंट ट्रेड्स की बात करें तो उस टाइम तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन डोबिनियर सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। तो यहाँ सबसे पहले बात आ जाती है कि उसने कैसे अरेंज किया। उसने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, जिनको उसने बोला ट्रेड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने डोबिनियर के ट्रेड्स पॉसिबल थे, 3 ट्रेड्स, और हर ट्रेड में कितने एलिमेंट थे, 3-3 एलिमेंट थे। उसके बाद आ जाते हैं कि कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी जिनके बेसिस पे इसने अरेंज किया। तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास। 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका सम एटॉमिक मास कहलाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाज सिलेक्टेड बाय डोबिनियर ट्रेड्स टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स। तो यहां देखेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, 6.9, 23, 39 इंक्रीज हो रहे हैं। यहां भी देखो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां भी देखो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद इसने क्या किया, एक और सिमिलर प्रॉपर्टी इसने चेक की। क्या देखा कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मास है उसका एवरेज कर दें तो मिडल वाले एलिमेंट के मास जितना आता था। जैसे कि अगर हम 6.9 और 39 का एवरेज करते हैं तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, इसे एवरेज करके लिखते हैं 39 प्लस 6.9, 45.9 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कट करें 2, फिर 2.8, तो एक तरह से ये कितना आ रहा है 22.8, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मिडल वन के। तो यहाँ से क्या कन्फर्म होता है, ये चीज प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज कर दें तो मिडल वाले एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं था, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ऐसे ही आप सेकेंड ट्रेड में देख सकते हैं, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है, बेरियम है। कैल्शियम और बेरियम का मास कितना है, 40.1 और 137.3। जब इनका एवरेज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है एवरेज की, वो नियर अबाउट 88 के अराउंड आती है। वो स्ट्रॉन्टियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ भी जस्टिफाई हो रहा है। और सेम हम लास्ट वाले ट्रेड में, जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन का मास है 35.5, आयोडीन का मास है 126.9, यहाँ पे जो बेरियम का मास आता है एवरेज करके वो 80 आता है, और 80 देखो 79.9 कितना अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो 1817 में डोबिनियर ने 30 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स को इन तरह से अरेंज कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस मीन्स ड्रॉबैक, कि उसमें कमियां क्या क्या रह गई। लिमिटेशंस की बात करते हैं, लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक, यानी इसमें क्या क्या कमियां रह गई। सबसे पहले बड़ी बात क्या थी, जो 30 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे डिस्कवर्ड, तो डोबिनियर ने तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे कैसे रह गए, वो ट्रेड्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो डोबिनियर ट्रेड्स फेल हो गया बाकी एलिमेंट्स के लिए। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ही इज एबल टू मेड ओनली 3 ट्रेड्स, 3 ही ग्रुप बना पाया
डॉबिनियर ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ही ट्रेड्स को अरेंज कर पाया, बाकी को नहीं कर पाया। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर हम बाकी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करने की कोशिश भी करें तो क्या होता था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का जब हम एवरेज निकालते हैं वो मिडल वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आ ही नहीं रहा था, काफी ज्यादा गैप आ रहा था। तो ये प्रॉपर्टी भी 100% सक्सेसफुल नहीं थी कि हाँ हम एलिमेंट्स को इसी प्रॉपर्टी के साथ अरेंज करेंगे, तो इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए थी। अब जैसे मैंने एक लिख दिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, अब इनका एवरेज निकाल के देखते हैं 74.9 और ये है 14, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रही है 44.45 इतना आ रहा है। तो ये तो अब देखो ये इसका एवरेज आया फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का, और देखो जो मिडिल वन है उसका 31 है, तो इनके बीच में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस, तो ये इक्वल नहीं बन रहे। तो जो ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मास का एवरेज है वो मिडिल वाले के इक्वल होगा ऐसा हरदम सक्सेसफुल नहीं था, वो जस्टिफाई नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमिनियर ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स हैं, 3-3 एलिमेंट हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास का, लेकिन इसकी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं जो कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो कि नेक्स्ट साइंटिस्ट आया उसने थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको बेसिक क्लासिफिकेशन बाय दी डोमिनियर ट्रेड्स अच्छे से समझ आया होगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोमिनियर क्लासिफिकेशन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मिडल एलिमेंट इन द डोमिनियर ट्रेड वाज सेड टू बी एन एवरेज ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, डिड डोमिनियर ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट कंपेयर एंड फाइंड आउट, एंड हाउ मेनी ट्रेड्स डिड डोमिनियर आइडेंटिफाई। द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चंस आई ऑलरेडी डिस्कस इन द वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।